फिर से एक नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि बलियापुर में जो आने वाला है प्रदीप पाल, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो आने वाला है बड़ा दल करने के लिए, मतलब एक कथा करने के लिए बलियापुर में। आपको पोस्टर पे देख रहे हैं, यही है प्रदीप पाल। और भीड़ तो काफी ज्यादा यहाँ पे देख सकते हो। यही वो जगह है जहाँ पे प्रदीप पाल जी परफॉर्म करने वाले हैं। तो भाई भीड़ इतना ज्यादा उमड़ गया है कि क्या ही बताएं आपको। मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा भीड़ यहाँ पे उमड़ गया है। यूँ तो मुझे पता नहीं था, मैंने अक्सर मैंने सुना था कि प्रदीप पाल आने वाला है बड़ौदल करने, पर मुझे उस टाइम पता नहीं था कि प्रदीप पाल क्या तोप है। किसी ने मुझे बताया कि एक नाइट का ये 70,000 रुपया चार्ज किया है खाली बड़ा दल या भागवत कथा जो बोलो आप करने का। तो मैंने सोचा यार कौन सा तोप है जो 70,000 रुपया ले रहा है बड़ा दल करने का चार्ज, प्लस ऊपर से 10,000 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है खाने पीने का। अरे एक दिन में यार 10,000 का कोई खा लेगा क्या? मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने बोला चलो फिर क्या है देखते हैं, क्या नहीं है देखते हैं, क्या तोप है। फिर मैंने इसको गूगल किया, यूट्यूब पे देखा तो हाँ प्रदीप पाल तो भाई तोप है। तो सोचा मैंने कि इस वीडियो को कवर करते हैं, तो मैं गया था वहाँ देखने के लिए भीड़। तो गाइस वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि भीड़ इतना ज़्यादा है, मैं वहाँ लगभग 9 बजे पहुँच गया था। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक साला खाली भीड़ बढ़ते जा रहा है, आते जा रहा है, घटवे नहीं कर रहा है। सबसे पहला बात वहाँ कमेटी का तो तिरपाले घट गया था साला, ऊपर से पानी का मौसम किचकिच था तो तिरपाले घट जा रहा है। फिर वो लोग कॉल किया, तिरपाल मंगाया, फिर बिछाया। फिर जितना बड़ा हटिया का एरिया था दुर्गा मंदिर से लेकर पूरा एकदम रोड तक खाली आदमी बैठा था यार। मतलब पहली बार मैं देख रहा था कि किसी बड़ा दल में इतना आदमी बैठा था, मतलब एक ऑर्केस्ट्रा में एक बड़ा बड़ा प्रोग्राम में इतना भीड़ नहीं होता जितना इनके आने पे हो गया था। तो मैं सोचा कि चलो आज इसका वीडियो कवर कर ही लेते हैं। तो मैं वीडियो कवर करने पहुंच गया बलियापुर, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बलियापुर में कुछ भी इवेंट हो रहा हो और तुम्हारा भाई उसको कवर करने ना पहुंचे। तुम्हारा भाई पहुंच गया उसको कवर करने के लिए और देखो कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। हाँ तो गाइस यही वो जगह है जहाँ पे प्रदीप पाल जी परफॉर्म करने वाले हैं और यहीं से मजा आ जाएगा यार। देखो तुम भीड़ काफी ज्यादा खचा था यहाँ पे बड़ा हुआ है। हाँ तो गाइस मतलब प्रोग्राम जस्ट स्टार्ट होने ही वाला है, प्रदीप जी रेडी हो रहे हैं और बस स्टेज पे आ ही जाएंगे। आपने देखा कि स्टेज पे काफी जो उनके बजाने वाले जो थे ना सब आ गए थे, सब कुछ सेटअप कर रहे थे। तो मैंने सोचा जब तक प्रोग्राम स्टार्ट होगा उससे पहले मैं आपको मंदिर का दर्शन करवा देता हूँ जहाँ पे हो रहे हैं ओल्डन वाला कीर्तन। ओ यार यहाँ पे देखो, यहाँ वो हरि मंदिर है जहाँ पे हो रहा है वो कीर्तन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हरि नाम चल ही रहा है। देखते मंदिर का दर्शन कराने वाले हैं, उससे पहले यार ये देखो अपन को कौन मिल गया है। अरे यार मेरा यार यहाँ पे क्या करता है तुम? अरे यार हमारा राज भाई अभी आपको बलियापुर का मंदिर का दर्शन कराएगा। चलो कौन सा मंदिर क्या है बताओ? ये हरि मंदिर है क्या? हरि मंदिर है। अच्छा और आगे दिखाओ, ये श्री मंदिर है, ये दुर्गा मंदिर है, ये कोची मंदिर है, है ये सती मंदिर है का, और ये शिव मंदिर है, और ये भी शिव मंदिर, और इधर ये भी शिव मंदिर। मतलब गाइस एक साथ आपको 3 शिव भगवान का मंदिर को देखने मिल जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि एक काशी विश्वनाथ है और एक उज्जैन का महाकाल है और एक जो है वैद्यनाथ धाम जो कि हमारा देवघर में है,
तो अभी हम आपको दिखाने वाले कि प्रोग्राम कहाँ पे होने वाला, देखोगे यार? तो देखो देखो देखो, हम मंदिर में है, मंदिर के बाहर जहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है, यहाँ पे आने वाला है प्रदीप पाल जी। तो ये देखो यार, यही वो स्टेज है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ पहला झलक। যারা খায় তারা বা এটে সেটে বসছে, বলুন বলুন ঘরে আমি গিয়ে বলতে পারব না। আমাদের সমাজে নেশা হচ্ছে তিন রকম, এইদিকে এইদিকে নেশা তিন রকম, এটা আছে কিনা আপনাদের বেলিয়াপুরে দেখুন তো। একটা এক আঙ্গুলের নেশা, একটা দু আঙ্গুলের নেশা, একটা তিন আঙ্গুলের নেশা, একটা চার আঙ্গুলের নেশা। এক আঙ্গুলের নেশা কোনটা? আমি করি না, মানে দেখি আর এক আঙুলের নেশা আপনাদের নাই বোধ হয়, দেখুন দোকানগুলো দেখুন বিক্রি হচ্ছে, দেখুন সকালে আসতে। দু আঙুলের নেশা কোনটা বলুন তো? ওটা প্রায় সবার আছে। আমি খাই না কিন্তু দেখি আর অনেকে কি সুক্তা মারে। আচ্ছা তিন আঙুলের নেশা কোনটা বলুন তো? এইদিকে দেখান তিন আঙুলের নেশা, এটি সবচাইতে লজ্জার ব্যাপার, হিন্দুদের ক্ষেত্রে লজ্জার ব্যাপার। কিছু কিছু ছেলেরা আছে যারা গাঁজা খায়, মন্দিরে বসে বাইরে খায় না। আমি কয়েকদিন আগে মন্দিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, কয়েকটা ছেলে মন্দিরে বসে গাঁজা খাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম গাঁজা মন্দিরে খাচ্ছিস কেন? তখন ওরা আমাকে বলছে অন্ধকার থেকে, জ্ঞান দেবেন না বাবা ভোরাও খেয়েছিল। বললাম বাবা তো বিষ খেয়েছিল, তোরা বিষ খাবে? বাবা বিষ খাবে, বিষ খাবে না কিন্তু গাঁজা খাবে। আর চার আঙুলের নেশা কোনটা আপনাদের বেলিয়াপুরে নাই, কোনটা বলুন তো? এইবার কিছু মনে করবেন না, যারা মদ খায় তাদের তিনটে উপকার হয়। কি কি? যারা মদ খায় বেশি তাদের বাড়িতে চোর ঠোকার চান্স না। হ্যাঁ, যারা মদ খায় তাকে কুকুরে কোনোদিন কামড়াবে না। আর দু তিন নম্বর কি, যে মদ খায় চিরকাল যুবক থাকবে, তার কোনোদিন বয়স হবে না। আর যারা খায় তারা স্বামী স্ত্রীতে বসে আছে, স্বামীর ভাবে স্ত্রীকে বলছে দেখো কি বলছে, দেখো কি বলছে, দেখো মদ খেলে কি হবে। তখন স্ত্রীটা বলছে আগে শোনো তারপর বলবে। এখন লক্ষ্য করুন, মদ খেলে তার এদিকে, মদ খেলে কেন মায়েরা তার বাড়িতে চোখ ঢোকে না? মদ সে এদিকে হিন্দু সমাজের সবচাইতে লজ্জার ব্যাপার। মাতলামি করে হরিবাসরে আসে, যারা মাতলামি করে হরিবাসরে আসে জানবেন তারা তাদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। যারা মদ খাবে বাড়ি ঢুকে তার ছেলেটার দিকে তাকিয়ে খাবে, কেন? আপনি যেমন তৈরি হবেন মদ খেয়ে, আপনার ছেলে বড় হয়ে মদ খাবে তখন আপনি বলতে পারবেন না তুই কেন খেলি, কারণ আপনি তো খাওয়া শিখিয়েছেন বলে বাচ্চা খেতে শিখেছে। জেনে নিন আপনারা, মদ খেতে খেতে মদ তাকে খায়। আর रुको 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 रुको, और एक बात, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा ना तो आप मुझे कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा बना है और प्रदीप पाल का परफॉर्मेंस कैसा है। अलग अलग कमेंट करना, उसका परफॉर्मेंस कैसा है और मैंने वीडियो कैसा बनाया, वो चीज़ बताना। और बलियापुर के लिए मैं हर चीज़ कवर करता हूँ यार आपके लिए। और धनबाद में होने वाले इवेंट या मतलब जो भी इवेंट हो, मेरे पर्सनल ब्लॉग्स हैं कुछ भी हो, मैं आपको देते रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो ना और सब्सक्राइब कर दो, समझे?
मेरे लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो। अब बोलो हरी बोल, जो बैकग्राउंड में सुन रहे हो ना, बोलो हरी बोलो हरी बोलो रे, यहीं पे बज रहा है। मैं बगले में हूँ, मतलब मैं अभी बलियापुर में हूँ, वहीं पे हो रहा था हटिया के सामने प्रदीप पाल का कीर्तन। मैंने कल रात को कवर किया, रात हो रहा था इसलिए मैंने सोचा रात में इंट्रो वीडियो करना सही नहीं होगा क्योंकि उसमें क्वालिटी बढ़िया नहीं आता है। मैंने सोचा दिने को कर लेते हैं, फिर रात का वाला वीडियो कवर करके मैं आपको इसमें डाल दूंगा, फिर दिखा दूंगा कैसा लगा वीडियो, कमेंट में बता देना। चलो।